नमस्कार, स्वागत है आपका INI न्यूज में। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लालू यादव का पीएम मोदी पर प्रहार, मोदी पर हुए हमले को सही करार दिया। बिहार में अब जल्द ही उड़ेगी 22 सीट वाली प्लेन। छत्तीसगढ़ में मिडिल स्कूल के छात्रों ने मध्याह्न भोजन को लेकर की नई पहल। छत्तीसगढ़ में एक शिक्षा कर्मी पर चढ़ा नेतागिरी का भूत। और छत्तीसगढ़ में जय जयपुर से बसपा विधायक बैठे अनशन पर, सरकार पर विकास कार्य पूर्ण नहीं कराने के आरोप। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव ने यूपी चुनाव में प्रचार करने से पहले पीएम मोदी के केसरिया होली वाले बयान पर कहा कि रिजल्ट के बाद भगवा का होलिका दहन करेंगे। वहीं गंगा मामले में नीतीश द्वारा मोदी पर हमले को लालू ने सही बताया। अब ये देख लो कि इनके जहन राष्ट्रीय झंडा नहीं है, ये भगवा वाले लोग हैं। ये मुंह से निकल गया कि भगवा मने होली क्या मनाएंगे, हम लोग आज्ञा दहन कर देंगे। जीत होगी हमारी, जीत होना है तय है अखिलेश का, उसके बाद होलिका दहन हम लोग करेंगे बीजेपी का। भागलपुर के रूप विहार होटल में जिलाधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि अब जल्द ही भागलपुर से 22 सीट वाली प्लेन उड़ाई जाएगी। लैंडिंग चार्ज कम किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। टेक ऑफ किया था हमारा और भागलपुर में लैंड किया। फ्लाइंग टाइम 1 आवर 35 मिनट्स लगा टोटल टाइम। कितना? 1 आवर 35 मिनट्स। और ये ऑपरेशनल रनवे देख के हमें लगा कि इधर हमें रेगुलर मूवमेंट होना चाहिए, कनेक्टिविटी स्टेट को मिले। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है, काफ़ी मेंटेन है, सिक्योरिटी टीम भी, CISF, मेडिकल्स, फायर टेंडर सब कुछ अवेलेबल था। तो हेलो, हम देखते हैं हमारा मूवमेंट रेगुलरली भागलपुर के लिए बढ़ेगा। अच्छी शुरुआत है, आप देख रहे हैं कि कितने लोग समाज से भी लोग आए हैं। और सबसे बड़ा अड़चन यही था कि यहाँ हवाई सेवा नहीं थी, इस वजह से जो डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो लोग हैं, उनका आना यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये एक अच्छा शुरुआत है और इसको यहाँ के लोगों को लाभ मिले। लगातार मध्याह्न भोजन में पौष्टिक आहार को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक मिडिल स्कूल के छात्रों ने मध्याह्न भोजन में पौष्टिक आहार की पूर्ति को लेकर एक ऐसी शुरुआत की है जो पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल है। स्कूली बच्चों के स्वावलंबन बनने की कहानी देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिखते रंग बिरंगे फूल, हरी सब्जियों के पौधे, यह नजारा है सूरजपुर से महज कुछ ही दूरी पर स्थित रुनियाडीह गाँव के मिडिल स्कूल का, जहां तमाम सब्जियों और फूलों को इस स्कूल के छात्रों ने लगाया है और वे ही इसकी देखभाल भी करते हैं। दरअसल शासन की मध्याह्न भोजन की योजना में सिर्फ एक ही सब्जी का प्रावधान है, वो भी कई स्कूलों में नहीं मिलती है, जिसकी वजह से छात्रों को पौष्टिक आहार उचित मात्रा में नहीं मिलता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए स्कूल के शिक्षक और छात्रों के परिजनों ने स्वयं सब्जी उगाने की पहल की। इस खेती की खासियत यह है कि इसमें गोबर के खाद का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इन बच्चों को दोपहर के मध्याह्न भोजन में 2 या 3 सब्जियां मिलती हैं। आलू लगाए हैं और मूली भाजी उजी बोए हैं। तो ये किस लिए लगाया हो स्कूल में? स्कूल में इसको खाते हैं हम लोग, इसको हम लोग ही लगाते हैं और हम लोग इसको पटाते हैं, बड़ी मांदा उंदा देते हैं, खाद उद डालते हैं हम लोग। खाद डालते हो जी? सब मिलकर काम करते हैं और सब लोग हाथ बटाते हैं। इसको कैसे कैसे खेती कैसे करते हो? वो पाटी छीन लेते हैं पहले, इसके बाद उसको मांदा देते हैं, उरिया उरिया डालते हैं और खाद चढ़ाते हैं और खुद पानी पटाते हैं। खुद पानी पटाते हो? हाँ। सर लोग भी इसमें, मैडम लोग भी साथ देते हैं? मैडम लोग और सर लोग बहुत साथ देते हैं। इसकी खासियत ये है कि जब वहाँ खेत तैयार किया जा रहा था तो बच्चों के गार्जियन ही आकर के हल चलाए, हम शिक्षक साथियों के माध्यम से, गांव के महिलाओं के माध्यम से पौधे लगाने का काम किया गया। गांव वाले ही स्वेच्छा से जो है खाद भेजते हैं, गोबर खाद को। इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाया है कि जो बच्चे परीक्षा पास होने के बाद में जो TC कटवा के जाते हैं या जो नए बच्चे नाम लिखवाने के लिए आते हैं, तो उनसे शुरू में ही हम लोग 2 बोरी गोबर खाद लेते हैं। जो किचन गार्डन में जो सब्जी भाजी हो रही है, चाहे वो पालक धनिया हो, चाहे आलू हो, गोभी हो, टमाटर हो, ये सारे चीज का उपयोग बच्चों के मध्याह्न भोजन की एक सब्जी के रूप में करते हैं। जो शैक्षणिकतर गतिविधियां हैं
वो भी उस विद्यालय में संचालित है और वहाँ पे बागवानी और विशेष रूप से कृषि का कार्य भी सिखाया जा रहा है, जैसे मूंगफली की खेती, आलू की खेती, ये सभी वहाँ पे हो रहे हैं और कुछ फूल पौधे भी लगाए गए हैं जो विद्यालय के आकर्षण को बढ़ा रहे हैं। और केवल लगाया ही नहीं जा रहा है, इसमें बच्चों को जोड़ करके उनको कृषि और बागवानी की शिक्षा भी दी जा रही है। INI न्यूज के लिए सूरजपुर से विशाल तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की दो दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, बिलासपुर सांसद लखनलाल साहू और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी सहित तमाम दिग्गज नेता और प्रदेश भर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी शामिल थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक मां महामाया मंदिर प्रांगण स्थित भवन में रखी गई थी, जिसमें प्रदेश भाजपा के दिग्गजों द्वारा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। बिहार में शेखपुरा जिले के कारंडे थाना क्षेत्र अंतर्गत लहना गांव में एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पीड़ित परिवार को मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाकर खेत में लगे प्याज की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जब पीड़ित परिवार न्याय के लिए स्थानीय थाना पहुंची, तभी दरोगा जी ने न्याय के बदले 5,000 रुपये रिश्वत वसूल किया और कार्रवाई का झूठा आश्वासन दिलाकर थाना से वापस लौटा दिया। पीड़ित किसान न्याय के लिए एसपी से मिलकर जहां दरोगा पर कार्रवाई की गुहार लगाई, वहीं कारंडे थाना प्रभारी द्वारा नजायज राशि लिए जाने के मामले को एसपी ने गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ को जांच कराने की बात कही। कुमारदेव विजय कुमार है, नागो महतो है, नवल किशोर महतो है और पवन महतो है। क्यों कवर दिया? वो पुराना दुश्मनी है, केस चल रहा कोर्ट में, इसी कारण से कवर दिया। और का धमकी भी देता, कहता अगर कहीं नहीं मिलेगा केस में तो तुमको जान से भी मार सकते हैं। क्या चीज़ का केस था? क्या छेड़खानी का केस था, हमारा भतीजा उसमें छेड़खानी किया है। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, अगला भी कुछ नहीं कार्रवाई किया। केस को जो खा गया, जो पैसा दिया अगला पार्टी, जो केस खा गया, फिर हमने कोर्ट से खड़ा किया, जाकर पैसा दिया, हमारा केस को ख़त्म कर दिया। थाना में भी केस किए, 5,000 रुपये लिए, थाना में पैसा भी लिए, अब हमसे लिए। सवेरे गए आवेदन लिखाया तो बोला थाना है, करंडे थाना है, तो बोले कि पहले पैसा लेकर आओ। हम शाम को पैसा ले गए, तब यहाँ आए, इस बात यहाँ से गए, तो फिर हम उनको बोले क्या केस है, तो बोला कुछ नहीं होगा, जाओ यहाँ से तुम। इसके बारे में हम पता करते हैं, चूँकि अभी सूचना ही हमको हुई है, हम पता करते हैं, अगर किसी के द्वारा अगर लापरवाही की गई है तो कार्रवाई भी होगी। शेखपुरा में जिला जनता दल यूनाइटेड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक रणधीर कुमार सोनी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री के 7 निश्चय कार्यक्रम की सफलता और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो 7 निश्चय का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें तेजी लाने के लिए, उसकी गुणवत्ता के जांच के लिए आज जदयू जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है और सभी लोगों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि जिला में जो भी 7 निश्चय का कार्य है वह सुचारू रूप से और अच्छी तरह से हो। बिहार में नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के विजवन पर इलाके में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा 46 लाख की लागत से बने 1 किलोमीटर PCC ढलाई का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने किया। गांव को इतना अच्छा बनाने के सरकार की योजना है कि गाँव के लोगों को शहर जाने की जरूरत नहीं है। गाँव के नलियों का निर्माण, गाँव के गलियों का निर्माण, घर घर में शौचालय का निर्माण, घर घर में नल का पानी का इंतजाम और घर घर बिजली का भी प्रबंध करने का और पक्की सड़क से गांव को जोड़ने की सरकार की योजना है। ये सारी योजना 5 साल के अंदर जब पूरा हो जाएगा तो गांव इतना सुंदर दिखने लगेगा कि शहर उसके मुकाबले फीका पड़ जाएगा। सच ही कहा है किसी ने कि कल किसने देखा है। जी हाँ, दरभंगा के लहेरिया सराय थाना इलाके के मोगलपुर मोहल्ले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों के सामने सगे भाई बहन की अचानक संदिग्ध मौत का नजारा सामने आया। इस सनसनीखेज घटना की सूचना पाकर घटना स्थल पर ASP दरभंगा अपने दल बल के साथ पहुंचकर घटना की पुष्टि करते हुए इस दोहरे मौत को संदिग्ध मानकर जांच करने की बात कही। कुछ दिनों पहले ही सऊदी अरब से आए हुए भाई शहजाद की लाश उसके कमरे में पंखे से झूलती हुई मिली,
जिसे देखकर सदमे और आवेश में आकर मृतक की दो बहनों में से एक बहन शबाना ने पास में ही स्थित गंगा सागर तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। परिजनों की माने तो जिस घर में मृतक शहजाद सोता था उस कमरे को देर तक बंद देखकर घर के लोगों को शंका हुई तो स्थानीय लोगों के जरिए कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और देखा कि घर के पंखे से लगभग 35 वर्षीय शहजाद की लाश झूल रही थी। वहीं मृतक की दूसरी बहन अभी तक बेहोश है। पुलिस दोनों लाश को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दी है। ये लड़का कुछ दिन पहले सऊदी से आया है, मतलब जो बीच में आपका भाई से फोन किया, कुछ इसका दिमागी हालत जो है अजीब तरीके से करने लगा, मतलब कुछ खराब हो गया दिमागी हालत, समझे। सुबह में एक महीने क्या ना क्या हुआ इसको घर में, इस घर में वो फांसी लगा लिया तो बहन है, ये बहन है, ये भी शादीशुदा है, लायक है, लेकिन बेचारी उसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सका, समझे। ये दौड़ गई या दौड़ गया पानी में कूद गई गंगा सर पोखर में। अब उसके पीछे हम लोग भी दौड़े जब तक जो है जब वो निकाले हम लोग जब तक ये जा चुके थे तो वो गेट में तोड़ा, उसके बाद देखा ये लटके हुए थे तो उसके बाद मेरा तो होश उड़ गया, मैं छोड़ के चला गया। बाहर से एक दो और लड़का आया, दोनों मिलकर काट के उतार के फिर नीचे बुलाया था तुमको, उनकी दोनों बहन बुलाए थे गेट तोड़ देने के लिए। ये मोहम्मद शहजाद है, ये टेम्पो चलाता था, आज सुबह में इसके डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई पाई गई है, किवाड़ तोड़ कर गांव के लोगों के द्वारा इसको निकाला गया था। इसकी बहन के बारे में जैसा बताया जा रहा था, इसकी मृत्यु को देख करके वो भी जाके यहाँ गंगा सागर तालाब उसमें डूब के मर गई थी। दोनों की डेड बॉडी मिला है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है कि आगे पुलिस जांच की पड़ताल कर रही है इस मामले में। बिहार के मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा के वेन थाना क्षेत्र के सभी 9 पंचायतों के मुखिया और सरपंच प्रतिनिधियों ने वेन थाना अध्यक्ष बिगाऊ राम के द्वारा लगातार पंचायत प्रतिनिधियों को अपमानित और अभद्र व्यवहार करने का आरोप थाना अध्यक्ष के ऊपर लगाया। शिकायतकर्ताओं से अवैध वसूली करने सहित अन्य आरोप लगाते हुए SP कुमार आशीष से मिलकर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान SP कुमार आशीष ने 48 घंटे की मोहलत देते हुए कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी, अगर 24 घंटे के अंदर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो सभी 9 पंचायतों के मुखिया और सरपंचों ने चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही। वेन थाना के थानाध्यक्ष बिगाऊ राम के विरोध में आए हैं, उनका अभद्र व्यवहार इतना अधिक हो गया है जन प्रतिनिधियों के साथ, खास करके मुखियागण, सरपंचगण या और पंचायत समितिगण, हर के साथ वो भेदभाव अभद्र करते हैं और पैसा वसूलने का काम करते हैं, चाहे किसानों का ट्रैक्टर का बालू का उठाव में, चाहे वो मोटरसाइकिल हो और पर्यावरण के ख्याल पेड़ कटवाने, शराब बेचवाना उनका मुख्य धंधा है बेन प्रखंड में, और इसके साथ ही तमाम जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा का ख्याल नहीं रखते। यही चंद सवाल और समस्या के लेकर हम लोग SP साहब के आवास पर, पुलिस अधीक्षक के आवास पर जाके सामूहिक रूप से अपना प्रस्ताव को रखे हैं और इंसाफ का गुहार लगाए। हम लोग का आरोप यही है कि हम लोग का जन प्रतिनिधियों का मान सम्मान बना रहे और हरेक और नागरिक का जो बेन प्रखंड के हैं उसका भली भांति उनका ख्याल रखा जाए। बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत वजीरगंज में सासाराम DSP आलोक रंजन के नेतृत्व में गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में शराब के साथ अन्य सफलता हाथ लगी है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है क्योंकि उक्त गांव में जाने के लिए पहाड़ों के रास्ते से गुजरना पड़ता है, यहाँ जाने के लिए काफी जोखिम भरा रास्ता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक शिक्षा कर्मी पर नेतागिरी का भूत सवार हो गया है। वह व्याख्याता जैसे महत्वपूर्ण पद पर होते हुए अध्ययन अध्यापन के कार्य में ध्यान न देते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार और रैलियों सभाओं में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। यही नहीं, वह शासन प्रशासन के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में भी शामिल होता है। शिक्षा कर्मी के इस रवैये की शिकायत पामगढ़ क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिले के अधिकारियों से की है। दरअसल शासकीय हाई स्कूल डोंगा कहरौद विकास खंड पामगढ़ में पदस्थ व्याख्याता पंचायत कुंज किशोर शासकीय पद में होते हुए भी सक्रिय राजनीति कर रहा है। इस मामले में क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता उदय हरवंश ने सबूतों के साथ जिले के अधिकारियों को शिकायत की है।
व्याख्याता कुंज किशोर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वह कांग्रेस के सभी आयोजनों में भागीदारी निभाता है। इस मामले में पामगढ़ SDM का कहना है कि उक्त शिक्षा कर्मी को नोटिस जारी किया जा रहा है। कुंज किशोर व्याख्याता डोंगरगढ़ में पढ़ाता है, उसके खिलाफ शिकायत हुआ था। वो जो है कांग्रेस का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, जिसमें वो अपनी ड्यूटी छोड़कर कार्यक्रम में शिरकत किया, सुबह से शाम तक था, उसके खिलाफ शिकायत किया। बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। कुंज किशोर व्याख्याता पंचायत शासकीय हाई स्कूल डोंगरगढ़ के द्वारा शिकायत आया है कि इनके द्वारा दिनांक 20 फरवरी को कांग्रेस के द्वारा शराबबंदी के संबंध में जो ज्ञापन दिया गया था, उसमें शिक्षाकर्मी वर्ग एक में होते हुए राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लिया गया है, इनको नोटिस जारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर के बसपा विधायक केशव प्रसाद चंद्रा क्षेत्र की विभिन्न मांगों के पूरा ना होने पर तहसील कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। विधायक के अनुसार कई ऐसे कार्य हैं जिनसे क्षेत्र का विकास रुका हुआ है, इसलिए जनहित के विभिन्न मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन और अनशन किया जा रहा है। जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र में राजस्व विभाग द्वारा किसानों की समस्या को दूर करने की दिशा में सार्थक पहल नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों की स्थिति बेहद खराब है। इसी तरह क्षेत्र में कई अन्य समस्याएं भी व्याप्त हैं, जिन्हें लेकर जयजयपुर विधायक द्वारा 2 दिवसीय धरना आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें विधायक का साथ देने जयजयपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष जानकी सत्यनारायण चंद्रा, जनपद उपाध्यक्ष और कई जिला व जनपद पंचायत सदस्य धरने पर बैठे हैं। विधायक की माने तो टावर निर्माण में किसानों को मुआवजा, मनरेगा भुगतान एवं रोजगार उपलब्ध करना, अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा, धान का बोनस 300 की मांग, राशन कार्ड की कटौती, बिजली बिल का अधिक भेजना, पूर्ण शराबबंदी मांगे की, जिन पर शासन के ध्यान देने की जरूरत है, मगर लंबे समय से मांगों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकार के जो मजदूर और किसान विरोधी नीति है और प्रशासन की जो तानाशाही है, उसके विरोध में मजदूर और किसान के हित में यह आंदोलन जो है आयोजित है। ये 9 मांगों को लेकर के हम 2 दिनों की उपवास करके शासन और प्रशासन को जो है इन समस्याओं को समाधान के लिए ज्ञापन देंगे। INI न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।